बरान ए रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आप सबको खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मिसबा से पूछा था कि हमारा जो अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हमारी क्रिकेट टीम जो खेलने जा रही है, ऐसे कौन से दो खिलाड़ी जो इनको लगता है कि गेम चेंज कर देंगे? जी मेरे ख्याल में जो बैटिंग में हमारा जो एक गेम चेंजर है जो चैम्पियंस ट्रॉफी में था, जिस पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान डिपेंड करेगी, तो टोटली मोमेंटम चेंज करने वाला प्लेयर है, वो है फ़खर जमान। क्योंकि उसकी इनिंग बैटिंग में मेरे ख्याल में बहुत वाइटल होगी। और ऑब्वियसली बाकी प्लेयर बाबर आजम हैं, बाकी भी सारी जो आपकी टीम है बड़ी। तो फ़खर जमान और बाबर आजम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गेम चेंजर होंगे? ये बिल्कुल फ़खर जमान स्पेशली। और बॉलिंग में मेरे ख्याल में शादाब फिट हो गए, पाकिस्तान के लिए बड़ी मेरे ख्याल में ये खुशी की खबर है। जिस तरह बॉलिंग की हालत है, तो आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि रिस्ट स्पिनर मेरे ख्याल में बड़ा रोल होगा उसका। चलें जी, हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला से कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप का ताज लेकर अपने वतन वापस आए और 92 की यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएँ। अच्छा, जब मिसबा आप मैदान में खेलते थे, अगर मैच जीत जाते थे तो किसकी सबसे पहले कॉल आती थी, और अगर खुदा न खास्ता हार जाते थे तो फिर किसकी कॉल आती थी? पहला कॉलर कौन होता था जीत के वक्त और हार के वक्त, या दोनों वक्त सेम बंदा कॉल करता था? पहली कॉल ये तो अब पता नहीं, कॉलें तो पता नहीं कितनी आ जाती थी, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं होते। फ़ोन अक्सर हमें कोई 2 घंटे के बाद मिलते हैं। अच्छा। कभी नोट नहीं किया जी किस किस की कॉलें आ गई, लेकिन आप जो समझ रही हैं ना कि शायद वो किसी दोस्त की या घर से, मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने इस मुबारक बात के लिए ज़्यादा आते हैं। वैसे हार पे इतनी जल्दी कोई फ़ोन नहीं करता, मतलब लोगों को पता है कि अभी हारे हुए हैं तो इनको कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इनको पहले ही डिमोरलाइज होते हैं। तो आई थिंक लोग ये चीज़ समझते हैं कि खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है। अच्छा, जब हम लोग इंडिया के साथ खेलते हैं उस वक्त एक ख़ास प्रेशर होता है, तो सारे के सारे खिलाड़ी अंडर प्रेशर होते हैं, या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि ठीक है जैसे बाकी टीम्स के साथ हम लोग खेलते हैं वैसे इंडिया के साथ भी, मगर क्या वजह के ख़ास प्रेशर, और आपने कभी बहुत वो उस तरह का प्रेशर अपने ऊपर महसूस किया? प्रेशर होता एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग जो है वो चाहे बाकी मैचेस में उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन जब इंडिया से आप खेल रहे होते हैं तो हर बंदा चाहे वो क्रिकेट देखता हो या ना देखता हो, वो उस दिन ज़रूर क्रिकेट देख रहा होता है, और उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान अच्छा करे और जीते। तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ का जो प्रेशर है कि बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या टीम हार जाती है, तो वो जो बैशिंग होती है वो नॉर्मली आपको इस तरीके से नहीं होती बाकी मैचेस में। और क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया बहुत कम खेल रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी में खेल लिया, वर्ल्ड कप में खेल लिया, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में खेल लिया, तो पहले पाकिस्तान और इंडिया ज़्यादा खेलती थी तो फिर भी इतना प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि आपका एक आधा मैच अच्छा चला गया, एक सीरीज़ आप जीत गए, एक सीरीज़ वो जीत गए, तो आपके पास टाइम होता था वो उसको मेकअप करने के लिए, कोई भी अगर बैड परफॉर्मेंस होगी। अभी आप 4 साल के बाद खेलते हैं या 2 साल के बाद खेलते हैं या एशिया कप में खेलते हैं, तो बड़े साल में या 2-3 सालों में आपके 1-2 मैच होते हैं टोटल, तो प्रेशर उसी तरह बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स पर भी वो प्रेशर आता है, ये हो नहीं सकता प्लेयर कहें नहीं हमारे पे प्रेशर नहीं होता। जाहिर है वो एक आप पूरा साल परफॉर्म करते रहे, एक मैच आपका बुरा हो जाए तो लोग आपको वही याद कराते हैं, चाहे आपने 15-20 साल जितनी भी क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी। ये तो है, लोग अच्छाइयाँ नहीं देखते मगर आपकी एक गलती को, एक बुराई को पकड़ लेते हैं और उसको जाने नहीं देते फिर जब तक आप जिंदा रहें। अच्छा, बाहर के लोग क्रिटिसाइज करें वो तो आदमी फेस कर लेता है, घर से जो क्रिटिसिज्म हो उसको बर्दाश्त करना ज़रा कुछ मुश्किल सा काम है। तो बच्चे कभी कहते थे बाबा इस मैच में आप क्यों हारे? हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, बल्कि बेटा तो कहता है बाबा इसको ऐसे नहीं ऐसे मारना था, क्या किया आपने, गलत मार दिया आपने। अच्छा बिल्कुल सच बताइएगा, मुझे पता है कि आप सच्चे इंसान हैं, कि उस वक्त क्या एहसासात होते हैं जब बेटा ऐसी बात करता है? मतलब एक तो दिल अंदर खुशी होती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया जो मुझे बता रहा है, या बाप की तरह एकदम गुस्सा आता है कि ये अब बाप पर तनकीद करेगा? किस तरह के उस वक्त जज्बात होते हैं? ये मेरी कोशिश होती है कि मैं रियलिस्टिक उससे बात करूं क्रिकेट की, कि अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं कहूँगा हाँ ये मेरे से गलती है, लेकिन अगर उस टाइम वो चीज़ बनती है तो मैं डिस्कस करता हूँ उससे कि हाँ नहीं इस वजह से मैं ये सोच रहा था और ये था इसलिए मैंने यूँ किया। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। आम लोगों के साथ बच्चों को भी गेम के बारे में उनको एजुकेट करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, कल को उनको फ़ायदा होगा, चाहे वो क्रिकेटर ना भी हों, एटलीस्ट क्रिकेट देखते हुए भी उनको गेम के बारे में पता होना चाहिए, इनसाइड क्या होता है। फैमिली के साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड है, आपकी एक पर्सनालिटी है जिसमें एक धीमापन है, उसी चीज़ को देखते हुए हमें पता चला कि आप अपनी एक फाउंडेशन भी बनाकर लेकर चल रहे हैं कि जिसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के आपने ख्वाब देखे हैं, आप मंसूबे बना रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैंने एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल बनाने का इरादा किया और अनाउंस किया उसको। ये तो मैं तारिक से भी कह दूँ, तारिक मेरे हस्बैंड जो वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो बहुत बड़ा खुश होंगे ये सुनकर। जी, इसमें पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2012 से काम कर रही है, तो बेसिकली पाकिस्तान में हर साल 50,000 बच्चा जो है वो दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है, दिल में सुराख होता है या और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। थोड़ा सा तस्ही कर दी, मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा वाजे कर दीजिएगा कि ये हॉस्पिटल सिर्फ आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या बड़ों का इलाज भी मुमकिन होगा? नहीं जी, ये बिल्कुल स्पेशलाइज हॉस्पिटल होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर होगा, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद हार्ट डिजीजेस। ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हर साल 50,000 बच्चा पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 8 सर्जन हैं पूरे पाकिस्तान में जो सर्जरी कर सकते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 5 सर्जन हैं जो कि 1 साल से कम के बच्चे का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब 50,000 में से ऑलमोस्ट हाफ 20,000 या 25,000 बच्चे को पहले ही साल में सर्जरी की ज़रूरत होती है अगर हमने उसकी ज़िंदगी बचानी है, और अगर वो सर्जरी हो जाए तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसको दोबारा से ये मर्ज़ होने के चांसेस नहीं है जिस तरह बाकी मर्ज़। बड़ी प्यारी सोच आपकी, मगर मुझे आप अपनी बातों में मुझे बताइएगा कि सिर्फ यही कॉज क्यों, बच्चों के लिए ही सिर्फ क्यों, या हार्ट स्पेशलिस्ट को जो आप लेकर आना चाह रहे हैं जो बच्चों के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों के लिए हार्ट इंस्टीट्यूशन आप बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ यही क्यों? आप तालीम की तरफ नहीं गए, आप पानी के हवाले से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मगर आपने ख़ुद ये इंतखाब किया या किसी ने आपको मोटिवेट किया? असल में मैं जब क्रिकेट से ऑलमोस्ट लास्ट एक आधा साल में खेल रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं मियांवाली बहुत डिप्राइव्ड है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन में भी इतना ज़्यादा को वहाँ पे काम नहीं है, स्पेशली हेल्थ केयर में वहाँ बड़े मसले हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ पे कोई हॉस्पिटल इस किस्म का बनाऊँ ताकि वहाँ पे लोगों को ये आपके अपने अंदर की एड्रेस किया जा सके इन मसाइल को। आप सोचते हैं कि जहाँ से आप हैं, जहाँ से आप खेलें, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, इज्जत दी, आप कुछ ना कुछ उसको रिटर्न करें, तो ये मेरा एक सोच थी। बट एट द सेम टाइम मेरे एक दोस्त थे, उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम हुई हार्ट की, और फिर मैंने देखा कि जिस किस्म की प्रॉब्लम से वो गुजरे पाकिस्तान में, मुझे भी आइडिया नहीं था कि बच्चों के दिल का जो मसला है ये कोई ऐसा मसला है कि इसके लिए स्पेशली डॉक्टर ही और चाहिए। नॉर्मल जो कार्डियक सर्जन है उनके पास वो इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, ये नॉर्मल हॉस्पिटल्स में वो नहीं, इसके लिए तो स्पेशलिटीज़ चाहिए। तो जिस किस्म की प्रॉब्लम्स गई, वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, और जिस सारे प्रोसेस से वो गुजरे उसको मैंने देखा, और फिर जाके उनका पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के साथ उनके मुलाकात हुई और वहीं से आपके जहन में ये उसका इलाज करवाया और सारा कुछ। और उन्होंने मेरे से बात की कि ये सिनेरियो है पाकिस्तान में, 20,000 बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत है, हम सिर्फ 3 से 3,500 बच्चों को ऑपरेट कर सकते हैं साल में। 16,000 बच्चा हर साल पेंडिंग लिस्ट में चला जाता है, जो कि अगर अफोर्ड कर सकता है तो बाहर चला जाएगा, इंडिया या इधर उधर चला जाएगा। कितने चले जाएंगे? 4 से 5 लाख से 7 लाख तक इस पर आपका खर्चा होता है। तो एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी कहाँ से ये अफोर्ड कर सकता है? आपका बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है और पूरी कौम आपके साथ है। शाना बशाना आपकी इस खूबसूरत सोच को, आपके इस बहुत ही बामकसद मकसद को लोग इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। और आपको किसी तरह की देखिएगा प्रॉब्लम होगी, आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, आप अपने मिशन में यकीनन कामयाब होंगे। मिसबाह-उल हक के साथ बातों का सिलसिला जारी है, इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। मिसबाह-उल हक आज के हमारे गेस्ट हैं और उनसे जो बातें हुई हैं उसके बाद उनको बहुत ही मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे तमाम देखने वालों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा मिसबाह, मैं एक सवाल बहुत सारे हैं, अगर मुझे पता है कि हमारे वक्त के हिसाब से मुझे उन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद हमारा एक होगा 1 word फॉर सेलिब्रिटी, आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी और जो भी आप उनके बारे में सोच रखते हैं आपने हमसे शेयर करनी है। बड़ा मुश्किल है ये, मुश्किल है। एक फिक्रे में चले, कभी कहते हैं कि एक भी बहुत है, तो मुझे यकीन है कि आप जो बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। मगर इस सेगमेंट से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आप नाउमीद हो गए हो, अंदर से एक होप ख़त्म हो गई हो कि बस ज़िंदगी रुक गई है, इसके आगे कुछ नहीं, कभी मायूसी सवार हुई हो? आई थिंक कि ऐसे लम्हे आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा देर के लिए नहीं आए, बहुत कम टाइम के लिए। स्पेशली जब आप क्रिकेट जैसे प्रोफेशन में हो तो हर दफ़ा जब आप नाकाम होते हैं ना तो आपको फील होता है, आप एक सेकंड के लिए या थोड़ी देर के लिए पर डे आप सोचते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कई दफ़ा आपको डाउट होता है अपनी एबिलिटी पे, लेकिन ये इसमें से फिर इंसान निकलता है। मेरे साथ यही हुआ, कभी होता था ऐसे, बट आई थिंक के जल्दी उसमें से निकला मैं उन मुश्किल चीज़ों में से, मुश्किल सोच में से। एक टाइम आया जब मैं 3 से 4 साल बिल्कुल टीम से बाहर हुआ और हर साल इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद 2003 से 2007 के बीच में ऑलमोस्ट हर साल टॉप करता था, फर्स्ट क्लास ए टीम से इतने रन्स करता था, बट कोई मैच नहीं मिलता था, टीम के साथ आता था, टीम में बगैर खेले बाहर हो जाता था। तो वही एक टाइम था कि जिसपे थोड़ा फील होता था, बट आई थिंक बड़े छोटे पीरियड के लिए, टाइम के लिए आया। शायद वो पैशन था गेम का जिसकी वजह से मैंने कहा चले नहीं आ रहा मेरा नाम, कोई नहीं, जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसी को मैं इंजॉय करता रहा। तो यू आर अ गुड फाइटर, आपने फाइट की, अब फाइट की। और मेरे ख्याल में उसकी वजह यही थी कि जो पैशन था गेम का, जिस लेवल पे भी मैं खेल रहा था उस गेम को इंजॉय कर रहा था, तो इसलिए मुझे उसमें ओवरकम करने में मुझे हेल्प हुई। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी हमारा ये सेगमेंट है 1 word फॉर सेलिब्रिटी, आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी। 1 word जी, 1 word हो, एक जुमला हो, जो भी इनको देखकर आपके जहन में आए। आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन, मैं बिल्कुल सख्ती, अब एक लफ्ज़ में आप कैसे किसी को बयान कर सकते हैं, कुछ लोग वैसे कर देते हैं, लेकिन आपको पूरा मार्जिन है, आप एक जुमला भी कह सकते हैं। जी पहली पिक्चर, शाहिद आफरीदी। He's a game changer. Game changer. Next, सरफराज अहमद। सरफराज के लिए क्या कहूँ मैं, सरफराज वेरी एनर्जेटिक और कभी धोखा नहीं देगा, नहीं वो जिस सेंस में हम कहते हैं उस सेंस में ये हो नहीं सकता कि क्रिकेट में आप हर टाइम सक्सेसफुल हो। तो आई थिंक वो ज़्यादती है किसी को ऐसे कहना। क्या पॉजिटिव अप्रोच जी, बहुत प्यारी बात जी। नेक्स्ट अहमद शहजाद। आई थिंक आप लोगों ने तो बहुत इसके साथ ज़्यादती की है, बट आई थिंक ही इज़ अ यंग टैलेंटेड प्लेयर। अब तो खैर एक्सपीरियंस है। आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी की, वर्किंग वेरी हार्ड, उसको सिलेक्ट नहीं किया, मगर कोई पता नहीं कि आज यू नेवर नो, बट एट द मोमेंट आई थिंक ही हैज चेंज्ड हिमसेल्फ अ लॉट और बहुत मेहनत कर रहा है। और इंशाल्लाह यू नेवर नो कभी क्या हो जाए। और अहमद शहजाद हमें वर्ल्ड कप के मैदान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए इंशाल्लाह। बहुत सारी गुड विशेस जी। नेक्स्ट मोहम्मद आमिर। इज अ गुड स्विंग बॉलर, यही कहूँगा इसके लिए, गुड स्विंग बॉलर। पाकिस्तान नीड्स हिम और दिस इज द टाइम कि जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव करे, तो पाकिस्तान के लिए भी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी थी। बिल्कुल ठीक, उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जी। नेक्स्ट पिक्चर शोएब अख्तर। आप शोएब को क्या कहते थे, शेबी या शोएब? नहीं, मैं मेरे से बहुत सीनियर हैं क्रिकेट के हवाले से, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। और एज में आई थिंक एज में शायद मेरे से छोटे हैं। बहुत ही सच्चे इंसान है भाई। जी जी, आई थिंक शोएब अख्तर के लिए तो एक ही चीज़ है, वेन एवर वी फेस हिम इन द नेट्स और इन अ गेम, बहुत खौफनाक बॉलर थे, जिस बाकी आप फियर एक फील करते हैं जब वो आपकी तरफ दौड़ते हैं एज ए बॉलर। सो दुनिया में मेरे ख्याल में इतना आपको जो दहशत एक लगती है ना किसी बॉलर की, और किसी बॉलर से फील नहीं। सेम यही बात कल आफरीदी ने बोली थी। चलें जी, कोशिश करेंगे कि शोएब अख्तर को भी हम अपने सेलिब्रिटी लाउंज में बुलाएं और बताएंगे कि शाहिद आफरीदी और मिसबाउल हक ने आपके बारे में क्या कहा था। मगर इन दोनों के साथ साथ 22 करोड़ आवाम भी यही कहती है कि शोएब जैसा बॉलर अभी तक हमारे पास नहीं है जी। नेक्स्ट रमीज राजा। रमीज भाई आई थिंक वॉइस ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट, और कमेंट्री में पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी के मालिक हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं जी। नेक्स्ट इनको देखकर हमेशा शारजा याद आता है और शारजा का छक्का याद आ जाता है, जावेद मियांदाद। जावेद भाई के लिए सबसे जो मेरे ख्याल में सूटेबल वर्ड है ना, स्ट्रीट स्मार्ट। वो ऐसे क्रिकेटर थे कि जिनके पास मॉडर्न टेक्निक्स और वो नहीं थी, बट वो जो अपनी वो स्ट्रीट स्मार्टनेस थी, उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को भी इतनी विक्ट्रीज दिलाई, इतना नाम किया, और इंटरनेशनल क्रिकेट में इज अ लेजेंड, बिल्कुल लिविंग लेजेंड जी, बिल्कुल जी। नेक्स्ट वसीम अकरम। मैंने आमिर के लिए कह दिया, बट वसीम भाई आई थिंक ही इज अ लेजेंड, और जिसको कहें कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, बेशक, नो डाउट अबाउट इट। बल्कि मुझसे कभी कोई पूछता है ना कि क्रिकेट की दुनिया में आप किसको बहुत आइडियलाइज करती हैं, तो यकीन कीजिए कि वसीम का नाम सर फहरिस्त है, इमरान खान साहब के साथ साथ वसीम का नाम, क्योंकि वसीम क्रिकेट की दुनिया के तो बेताज बादशाह रहे हैं, मगर जितनी खूबसूरती से अपनी पर्सनालिटी को ही आगे लेकर चले हैं, वैसी मिसाल भी कम मिलती है। तो वसीम, हम सबको आप पर बहुत फ़ख्र है जी। नेक्स्ट इमाद वसीम। आई थिंक अब मैं क्रिकेट के हवाले से कहूँ, किस हवाले से दोनों। I think he's a good, intelligent cricketer, utility cricketer. Intelligent cricketer. इमाद से भी बहुत expectations हैं। जी, next, शोएब मलिक। Shoaib Malik is also like him. I mean, he's a senior pro. Especially, you could say, very, very intelligent cricketer. Intelligent cricketer. G, next. Babar Azam. Babar Azam को देख के और बाबर आजम की बैटिंग को देख के जिस तरह स्मूथनेस होती है ना, आपको एक मज़ा आता है किसी चीज़ का. इस लाइक एक ड्राइव होती है बड़ी स्मूथ. जब वो खेलता है तो ऐसे लगता है कि बड़ा ही इज़ अ स्मूथ रनर. बहुत मज़ा आता है उसकी बैटिंग को देखे. बहुत ज़बरदस्त उसका. बाबर आपके लिए इतने खूबसूरत अल्फाज. मतलब यूसुफ भाई जैसे खेलते थे ना तो वो एक फ्लो होता था उनकी बैटिंग में. उसके बाद अब बाबर आजम जिस तरह खेलता है और ऑल अराउंड द ग्राउंड जो चारों तरफ जिस तरीके से फ्लुएंसी से खेलता है, इज अ फ्लुएंट प्लेयर. चलिए अल्लाह करे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें हमारे वर्ल्ड कप में. जी, नेक्स्ट, वकार यूनिस. यस, यू मे से टो क्रशर. क्योंकि वो यॉर्कर्स जो करते थे, आई थिंक ही वाज फेमस फॉर दैट. और इंग्लैंड सीरीज़ पे जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे वो इतने टो तोड़े थे उन्होंने कि नाम ही पड़ गया था वसीम भाई और वकार यूनिस का. तो बेसिकली ही इज रिनाउंड फॉर दैट. क्रिकेट की दुनिया में हमारा फखर है जी हमारे बॉलर जो हैं. वकार यूनिस के लिए जबरदस्त क्लैप. जी, नेक्स्ट, कामरान अकमल. आई थिंक वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन, वेरी गुड परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान, especially at the top in one-day cricket. और इनके बारे में ये सुना है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं. He's a very good friend also. Yes. जी, next, मिस्बाह-उल-हक. इनको जानते हैं आप? ये लास्ट है. इनको कुछ 4 साल पहले देखा था कहीं. 4 साल से कहाँ खो गए? बस फिर रिटायर होके थोड़ा फैमिली को टाइम दे. फैमिली को टाइम. लेकिन इनके बारे में एक जुमला कहना हो तो क्या कहेंगे? इनके बारे में तो आप ही कुछ कह सकते हैं. मैं क्या कहूँ? मैं कहूँ सॉफ्ट स्पोकन, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, सिंपल, नाइस एंड हम्बल. बहुत सारे नाम. बहुत शुक्रिया जी. गुड डिफेंडर. थैंक यू. जबरदस्त क्लैप. जी बिल्कुल. अब हमारा एक सेगमेंट है. आपको हमने पहेलियाँ दी हैं. मुझे पता है कि क्रिकेटर्स के लिए ये पहेली वाली लैंग्वेज बोलना मुश्किल है ये वैसे, लेकिन तो जी आप बिल्कुल देख लें ताकि आप प्रैक्टिस कर लें. ये वैसे तो लोगों के लिए पहेलियाँ हैं लेकिन मेरे लिए पढ़ना पहेली है. चलिए, आपका इम्तिहान है एक बार फिर से. हम अपने पहली सेगमेंट की तरफ जाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद. बिल्कुल. तमाम देखने वालों को खुश आमदीद. आपने ये तालियां सुनी होंगी क्योंकि ये इनका फेवरेट सेगमेंट है, पहेली सेगमेंट. हमारी जो सेलिब्रिटी होती है वो पहेली पूछेगी और ये जवाब देंगे और ये जितने इनामात हैं ये अपने साथ लेकर जाएंगे. हमारे इसीलिए इतना जोश नज़र आ रहा है. हमारे इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है फर्स्ट स्टेप ने और फर्स्ट स्टेप की तरफ से जो पहेली का सही जवाब देगा बहुत सारे इनामात लेकर जाएगा. और फर्स्ट स्टेप के साथ साथ हमारे दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें बेक पार्लर है, माज़जी है, वॉकीज़ है, अल हरमैन हनी है, रूट्स स्किन केयर है, उमर ख़य्याम है, फुर्टाइल है, पिज़्ज़ा पॉइंट है और अल सहला। क्लैप, ये सब आपके लिए गिफ्ट इन लोगों ने भिजवाए हैं। इन्हीं के गिफ्ट आप लोग अपने साथ अपने घरों में लेकर जाएंगे। जी मिसबाह आ जाइए। बहुत शुक्रिया। ये पहेलियां हैं, मुझे लगता है ये मेरा रीडिंग टेस्ट है और इन लोगों की जहानत का टेस्ट है। चले देखते हैं कि आज ये लोग कैसा खेलते हैं। सर जी शुरू करते हैं। नंबर 1 है जी, लाल सी शय और लकड़ी खाए, जमीन से उठे आसमान को जाए, पानी पिए और पी के मर जाए। जी ये पिंक वाली को दीजिए। आग। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। जी फर्स्ट स्टेप की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए, बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट। बड़ी बात है, पहला ही सवाल फौरन जवाब दे दिया। मुझे लगता है ये देख तो नहीं लिया उन्होंने कार्ड। बिल्कुल नहीं, हमारी ऑडियंस बहुत ऑनेस्ट है। जी दूसरी है जिसमें खाली जगह पुर करनी है जी, जो जहाँ पे खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक है, जो पॉजेज हों वो आपने फिल करना है, मगर फिल सिर्फ एक वर्ड से वर्ड लगेगा वहाँ पे, तमाम खाली जगहों पे एक लफ्ज लगेगा। जी एक डैश लड़की बाजार से डैश लेने गई और डैश औरत के साथ टकरा गई, उसकी सारी डैश गिर गई। जी ये ब्लू वाली को दीजिए। चीनी। बिल्कुल ठीक है। क्या बात है भाई, वॉकिस की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए, बिल्कुल सही। आज तो सब ज़बरदस्त खेल रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है, वरना अमूमन जब भी इनसे पहेली पूछिए तो बड़े कुछ गड़बड़ कुछ मिले जुले। ये नेक्स्ट वाली थोड़ी मुश्किल है मेरा। अच्छा जी अब ये मुश्किल है वो कह रहे हैं, सोच कर आपने जवाब देना है। जी नंबर 3 है जी, कौन सा पेड़ जहाँ में ऐसा मोती भरी शाखों को संवारा, जहाँ से आए वहीं समाए, हर फल गिर के जल हो जाए। कौन सा पेड़ जहाँ में ऐसा, पेड़ जहाँ में ऐसा मोती भरी, मोती भरी, मोती भरी शाखों को संवारा, को संवारा। जी बेटा बताओ। आसमान। आसमान। और आसमान सितारों वाला आसमान। नहीं, आसमान से क्या आती है मोती भरी? बारिश। हाँ बिल्कुल ठीक, बादल और बारिश, बादल और बारिश, बादल और बारिश। रूट स्किन केयर की तरफ से ये हमारी प्यारी सी बेटी को दे दीजिए। शाबाश बेटा, जबरदस्त। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट है, न मट्टी न रेत ऐसा है एक खेत, न मट्टी न रेत ऐसा है एक खेत। जी ना मट्टी ना रेत ऐसा है एक खेत। जी बेटा आप बताओगे। अच्छा मैं हिंट दूं आपको, ये जो खेत है ना ये हर एक के पास है, वैसे कुछ लोग हैं। घास, घास, घास हर एक के पास। ना मट्टी ना रेत, घास है लेकिन डिफरेंट रंग की। बाल। हाँ जी जी बाल, बिल्कुल ठीक। असल में वो कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो मट्टी और रेत होती है। रूट स्किन केयर की तरफ से इनकी क्रीम्स बहुत अच्छी है, ये आपने अपनी मामा को देना है, ठीक है। जी आपने भी 2 बताए आपने, आप हैदराबाद से हैं। अच्छा क्या दें आप बताएं, कौन सी? करशी की तरफ से दे दें जी इनको। अच्छा 2 गिफ्ट। मैं बिल्कुल उनसे बात कर लूंगी। हैंड माइक में बात कीजिए, क्या कह रही हैं? हेलो, मैं कह रही हूँ मेरा बेटा है वो आपसे बात करना चाहता है फोन पर, फोन ऑन है उसका, मगर उसे बता दे मेरी शादी हो चुकी है। वो बहुत छोटा है, वो 14 ईयर इयर्स का है, मेरा बेटा 14 इयर्स का, मगर आपका फैन है। अच्छा फिर ठीक है, इसका मतलब कि मेरे बेटे से 10 साल बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बात कर लें उससे बात। जी मैं बिल्कुल ज़रूर बात करूंगी। आपको क्या चाहिए? मुझे माज़जी उसके लिए चाहिए और जामे शीरी अपने लिए। आप जामे शीरी पियेंगी? सारा मैं रोजे रखती हूँ पूरे। अच्छा चले जी ठीक है। फोन पर किससे बात कर रही है? मेरा बेटा है इस वक्त, आपसे बात करना चाह रहा है। मुझसे बात करना चाह रहे हैं? जी। अच्छा लाइन जी मिसबा कर लें बात, बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इस छोटी सी गुड़िया को क्यों रो रही है? चुप करो भी मम्मी, क्यों रो रही है? जी दिखाएं क्या कह रहा है आपका बेटा। स्पीकर वहीं से स्पीकर ऑन कर दीजिए। चले हम बाद में कर लेंगे बात, हम बाद में कर लेंगे ठीक है। देखें दी बिल्कुल दे दें जी, करशी का दे दीजिए। हैदराबाद कहाँ से आई आप? हैदराबाद से। ऑन करें स्पीकर, ऑन करें, माइक रखें पास। हेलो हेलो साथ बात करो जी। साथ थैंक यू साथ, बहुत शुक्रिया आपको। क्या इस आप इस सेगमेंट को देख रहे हैं, हमारे इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सेलिब्रिटी लाउंज को? अच्छा देख रहे हैं आप? अरे मैं रोज देखता हूँ। रोज देखते हैं? अच्छा बहुत शुक्रिया साथ। ये बताएं कि सबसे अच्छा सेगमेंट आपको कौन सा लगता है? ऊपर करें माइक। कौन सा सेगमेंट? आपने स्पीकर ऑन किया हुआ? इन्होंने आप जो नसीहतें करती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नसीहतें जो करती हूँ? अच्छा जी ठीक है, पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद अमल कर लूँ। बहुत शुक्रिया साथ, थैंक यू थैंक यू। जी दे दीजिए नेक्स्ट पहेली जी मिसबा जी। नेक्स्ट वन है, एक मुर्गी अपने 3 चूजों के साथ रोड पार कर रही थी। एक मुर्गी अपने 3 चूजों के साथ रोड पार कर रही थी। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते सब सड़क पार पहुंच गए तो सब बड़ी मुश्किल से बचते बचाते सब सड़क पार पहुंच गए तो सबसे नन्हे वाला चूजा बोला, शुक्र है हम पांचों खैरियत से पार पहुंच गए। जी सबसे नन्हे वाला चूजा बोला। सवाल ये है जी बोले, सवाल ये है कि नन्हे चूजे ने ये क्यों और किस बिना पर कहा? अल हरमैन हनी की तरफ से गिफ्ट है। नन्हे चूजे ने ये क्यों और किस बिना पर कहा? चूजे ने क्या बोला था? लास्ट लाइन जरा बोल दे। वो चूजा बोला शुक्र है हम पांचों खैरियत से पार पहुंच गए। जी अकल की बत्ती, शुक्र है। हाँ जी बताएं आंटी, बताइए। साया तो नहीं था? चूजे का साया? हाँ आंटी। आंटी वो साय को कहेगा शुक्र है। अच्छा ये भी हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जवाब क्या है इसका? जी कोई नहीं कोई नहीं, हाँ बोलो। क्योंकि वो सबसे छोटा था इसलिए। और सबसे छोटा था, मगर यहाँ तो सब बड़े बड़े हैं। नहीं जब भी तो शुक्र अदा किया उसने। अरे इसलिए कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जो बाकी के 4 थे अकेला बच गया। इसलिए कहते हैं पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए। वैसे पता ना हमारा आज का टॉपिक है मोहब्बत। ठीक है जी लास्ट पहेली है, लास्ट पहेली जो आपको अच्छी लगती है। कभी है लाल कभी है काले, कभी है लाल कभी है काले, हजारों बार हैं देखे भाले। कभी है लाल कभी है काले, हजारों बार देखे भाले। फर्स्ट स्टेप की तरफ से ये गिफ्ट है जी, दिमाग की बत्ती। हाँ जी किधर गए? अरे सब सोच में पड़ गए हैं, अभी कितना शोर कर रहे थे। कभी है लाल, दिमाग की बत्ती, कभी है लाल, और बकरा ईद में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। कभी है लाल, कभी है काले। हाँ हाँ आगे। कभी है लाल, कभी है काले, हजारों बार देखे भाले। जी वो पहले बेटी को दे। जी कोयला। क्या बात है, बिल्कुल जी। फर्स्ट स्टेप की तरफ से इस प्यारी सी बेटी को गिफ्ट दे दीजिए। जी मिसबाह इधर आ जाइए। हमारा बस ये हो गया, कंप्लीट हो गया। जबरदस्त पहेलियाँ दी। मिसबाह के लिए बड़ी क्लैप, बड़ी बात है। ये सारी पहेलियाँ इन्होंने पूछ ली हैं, हालांकि कई दफ़ा मुझे बड़ा पढ़ने में मुश्किल होता है। हाँ जी, मेरा आप सबके साथ जी। मेरा जो है टेस्ट में पास हो गया। टेस्ट में पास हो गया मिसबाह। आप सबके साथ पिज्जा पॉइंट की तरफ से वाचर्स जाएंगे जी। सब अपने साथ लेकर जाइएगा और जाकर पिज्जे को खूब एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, पिज्जा पॉइंट के लिए क्लैप हो जाए। और माज़जी और उमर खयाम की तरफ से हमारे गेस्ट के लिए खास गिफ्ट है, वो दे दीजिए जी। माज़जी जी बिल्कुल ठीक है, ये आपके साथ जाएंगे। मिसबाह आप जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं डायरेक्ट देती हूँ। आप मिसबाह, ये माज़जी और उमर ख़याम की तरफ से आपके लिए छोटा सा एक मोहब्बत भरा जेस्चर है। थैंक यू जी। मिसबाह जाने से पहले अपने तमाम देखने वालों को क्या कहेंगे? सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और कोशिश करें कि ये ऐसा बरकतों वाला महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, नेकियां समेटें, और अपने सारे अजीज़ों को, दोस्तों को, इंसानों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, हमें भी याद रखें, और खुश रहें। और इस रमज़ान के बाद बहुत बड़ा गिफ्ट होता है इस रमज़ान का, ईद, उसको भी इंजॉय करें। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने का। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। मैं जी चूँकि आज मोहब्बत का टॉपिक है, तो जाने से पहले सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि कुछ कड़वी बातें करके हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और मनोमट्टी तले चले जाते हैं। अगर हम उन कड़वी बातों पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें तो इस दुनिया में बहुत खुशी के साथ रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और माज़जी की तरफ से आपके बेटे के लिए भी ख़ास गिफ्ट है। आज हम आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, और कल सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी जो पर्सनालिटी है, आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो बहुत महसूस होंगे। बहुत शुक्रिया।